राष्ट्रीय आय एवं योजना आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के निहितार्थ विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण विवेक जायसवाल की उपस्थिति में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 21 ब्लॉकों से चयनित शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में बच्चों की ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना तथा उसकी तैयारी हेतु बच्चों के लिए संबंधित प्रतियोगी किताब का वितरण करना था। कार्यक्रम के दौरान छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी में आ रही परेशानियों पर चर्चा के माध्यम से निराकरण भी किया गया। इस मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है और हम सबको मिलकर इस प्रयास को सफल करना है। छात्रवृत्ति परीक्षा में बच्चों की प्रतिभागिता एवं सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस बार विभाग ने बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दिया है और इस बार निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा, मीटिंग हमारे जनपद के कुछ अच्छे अध्यापकों के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसमें हमारे जनपद के प्रवीण मिश्रा जी हैं, संतोष राव जी हैं। इन लोगों ने एक अच्छे अध्यापकों की एक टीम बनाई है और इन अच्छे अध्यापकों के प्रेरणा स्रोत हम लोगों ने इनको एक पुस्तक दी है। इन लोगों के द्वारा हमारे जनपद में ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता की जो परीक्षा होती है नेशनल स्कॉलरशिप की, ये बच्चे पास करते हैं और बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कोई बाधा ना हो, इस प्रकार हमारे अध्यापक पूरी तन्मयता और पूरी ऊर्जा के साथ उन बच्चों को तैयार करते हैं। तो ऐसे हमारे लगभग 250 अध्यापक यहाँ पे आए थे और जो पूरी प्रेरणा के साथ, पूरे मिशन के साथ लगे हुए हैं। गोरखपुर जनपद में जो टारगेट है 309 बच्चों को हम लोगों को तैयार करना है, तो हमारा पूरा प्रयास है और हमारा अनुरोध भी है कि ऐसे अध्यापक जो अच्छा काम कर रहे हैं, एक पुनीत काम कर रहे हैं, पवित्र कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, तो सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ऐसे ही आप मेहनत करें और अपने बच्चों को तैयार करें, जिससे आगे आने वाले जो उनकी पढ़ाई है वो कहीं बाधित ना हो और जनपद का भी नाम आप लोग एक रोशन करें। टीचर जो लोग थे अपने विद्यालय में कर रहे हैं कि दूसरे विद्यालय नहीं, ये अपने ही विद्यालय में करते हैं। अपने विद्यालय के जो जूनियर स्कूल के मतलब बच्चे हैं कक्षा 8 के, उनको तैयार करते हैं और अपनी मेहनत से तैयार करते हैं, अपने सपोर्ट से तैयार करते हैं, अपने ही लगन के साथ लगे रहते हैं। इसमें कोई इनको सरकारी सपोर्ट नहीं मिलता है, बल्कि ये अपने ही मेहनत से और अपने ही मतलब एक बलबूते पर एक मिशन वहाँ फौज तैयार करते हैं अच्छे बच्चों की, और हमारे जनपद से कई बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो मेरा यही अनुरोध है और ये लोग करते भी हैं, मेहनत करते हैं। मेरा पूरा जनपद के सभी अध्यापकों से ये अनुरोध है कि इस टीम का प्रसार करें और इसी ऊर्जा के साथ आप अच्छे बच्चों को तैयार करें, निश्चित ही आपको जो गोल है वो आप अचीव करेंगे और गोरखपुर जनपद का नाम रोशन करेंगे। इनको सम्मानित करने का भी प्लान है? हाँ, इनको हम लोग भविष्य में सम्मानित भी करेंगे। इनके बच्चों को हम सम्मानित करते हैं, लेकिन हम लोग ये भी करेंगे जो हमारे अध्यापक अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये सम्मान के योग हैं और राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो ज़रूर हम इनका किसी न किसी दिवस पर इनको हम जरूर सम्मानित करेंगे।